हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि। आज मैं आपको लेके जा रही हूं ब्यूटीफुल टाउन निकारस्टाइना। वहां पे आज हम करेंगे माउंटेन हाइकिंग और देखेंगे वहां के ओल्ड कैसल्स जो अभी खंडर हो चुके हैं। वहीं से हम जाएंगे एबाबा टाउन जो अपने बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। हम एंटर कर चुके हैं खूबसूरत निकारस्टाइना में। इस खूबसूरत सी जगह पर स्टाइना नदी निकार नदी से जुड़ती है और उन्हीं से ये टाउन का नाम है निकारस्टाइना। हेलो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं आज के अपने पहले डेस्टिनेशन निकारस्टाइना टाउन में। ये एक हैदराबाद से नजदीकी टाउन है और इस टाउन में बहुत सारे कैसल है, हिस्टोरिकल कैसल है और आज हम उसे एक्सप्लोर करेंगे। निकारस्टाइना अपने चार कैसल्स वार्डरबर्ग, मिटलबर्ग, हिंटरबर्ग एंड स्क्वाडेक की वजह से फेमस है। आज हम विजिट करेंगे हिंटरबर्ग एंड स्क्वाडेक। ये हिंटरबर्ग कैसल का खंडर है। इसे 11वीं सदी में बनाया गया था। हिंटरबर्ग सी लेवल से 165 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। हिंटरबर्ग निकारस्टाइना के चारों कैसल्स में से सबसे पुराना कैसल है। हम चल पड़े हैं अपने दूसरे कैसल की ओर जो कि 5 मिनट की दूरी पे है और हम चल के ही ये डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं एलेक्जे के फ्रेंड मैक्सी, उनकी वाइफ एंड उनकी दो प्यारी डॉटर्स। माउंटेन हाइक को एंजॉय करते हुए हम जा रहे हैं स्वाडेक, जिसे स्वाल्बनेस्ट कैसल रून भी कहा जाता है। स्वाल्बनेस्ट सी लेवल से 190 मीटर ऊपर स्थित पहाड़ी महल का खंडर है। बाकी तीन महल की तरह ये पहाड़ी की टोच पर नहीं बल्कि नीचे ढलान वाली माउंटेन रेंज पे स्थित है। स्वाल्बनेस्ट कैसल र्यून। निकारस्टाइना के चारों कैसल्स में से ये सबसे छोटा है। अभी हम स्वाल्बनेस्ट कैसल को क्लाइंब करके उसके टॉप लेवल पे जा रहे हैं और वहीं से एंजॉय करेंगे निकारस्टाइना का अमेजिंग व्यू। स्वाल्बनेस्ट कैसल से दिखता अमेजिंग निकारस्टाइना। स्वाल्बनेस्ट को देखने और वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करने के बाद नाउ इट्स टाइम टू गो बैक थ्रू माउंटेन स्लोप।
नज़ारे को एंजॉय करते हुए अभी हम जा रहे हैं हमारे आज के अगले डेस्टिनेशन ए बाबा टाउन। ये है ए बाबा टाउन। जैसे कि मैंने आपको बताया, ए बाबा टाउन अपने बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है, तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ के बेकरी शॉप टू एंजॉय द टेस्ट ऑफ डिलीशियस केक्स। चला कि आज ए बाबा टाउन अपना ऑटम फेस्टिवल मना रहे हैं, तो दोस्तों चलते हैं ए बाबा टाउन के ऑटम फेस्टिवल को एंजॉय करने। ये है ए बाबा टाउन का छोटा मगर प्यारा सा ऑटम फेस्टिवल का सेलिब्रेशन। और ये है ए बाबा टाउन की बेहद ही खूबसूरत दिखने वाली रेस्टोरेंट्स एंड म्यूजियम। ए बाबा टाउन में ऑटम फेस्टिवल और कुछ खास बिल्डिंग्स देखने के बाद सनसेट के साथ ये ग्रीनरी का पीसफुल व्यू एंजॉय करते हुए हम जा रहे हैं वापस एप्पलहाइम। था मेरा आज का व्लॉग। आने वाले व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे ट्रायर सिटी, जिसका रोमन मॉन्यूमेंट द चर्च ऑफ अवर लेडी यूनेस्को हेरिटेज साइट है, और साथ ही में हम जाएंगे लुक्सेमबर्ग कंट्री। सो आज का व्लॉग पसंद आया हो तो हिट लाइक, डू कमेंट, एंड फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब एआर क्रिएटिव एंड प्रेस बेल आइकन फॉर टाइमली नोटिफिकेशन।